हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने OCM के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 6.2.3 जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉइज, कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉयज आर द ह्यूमन रिसोर्स टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स होता है, लाइक जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके बिना कंपनी का चल पाना पॉसिबल नहीं है। दे मस्ट ट्रीटेड विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट से हमें इन्हें ट्रीट करना पड़ता है, यानी उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझने चाहिए, और एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ पास्ड वेरियस लेबर्स लॉ सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को निकाले हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को किस तरह से गार्ड करना चाहिए, ऐसा कंपनी को वो लोग बोलते हैं कि कंपनी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चले। तो देख लेते क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस की एम्प्लॉय के लिए। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जॉब सिक्योरिटी, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय का जो जॉब है वो काफ़ी सिक्योर फील करे, यानी उसका जॉब कभी भी चला ना जाए, ऐसा उसके मन में हमेशा ना लगा रहे, वरना वो अपने जॉब में 100% नहीं दे पाएगा। सिक्योरिटी ऑफ प्रोवाइड मेंटल पीस एंड एम्प्लॉय कैन वर्क विद द फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। वो अपने पूरे डेडिकेशन, अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से काम करेगा अगर उसे लगेगा कि मेरा जॉब काफ़ी सिक्योर है। वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। उनका मोरल हाई होगा, उनकी लॉयल्टी वफादारी काफ़ी अच्छी होगी, किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सेकेंड है फेयर रेम्यूनरेशन, यानी अच्छा सैलरी, टाइम पे सैलरी और सही सैलरी मिलना चाहिए। सैलरी, वेजेस, जो भी बोलो, एम्प्लॉय को किसी भी तरह का पैसा मिले उसे रेम्यूनरेशन बोला जाता है। बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। कभी भी जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों को एक अच्छा ये रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अदर इंसेंटिव्स लाइक बोनस, ओवर टाइम अलाउंसेस एक्सेट्रा, बोनस मिलना चाहिए उन्हें, ओवर टाइम अलाउंसेस मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए। शुड बी गिवन देम रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। जो भी उन्हें रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो उनके काम के हिसाब से मिलना चाहिए, यानी वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह का उन्हें रेम्यूनरेशन मिलना जरूरी हो जाता है। सुटेबल वेजेस मिलना चाहिए, प्लान प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट एंड रिविजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो एसेंशियल। हमेशा वेजेस में चेंज होना चाहिए, रिविजन उसका होना चाहिए। थर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। अलग अलग हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स भी होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, यानी एम्प्लॉय को किसी भी तरह का एनवायरनमेंट इतना गंदा ना हो कि जिससे उन्हें किसी भी तरह की बीमारी हो जाए। कैंटीन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए वर्कर्स लोग के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन जो रहती है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, यानी कभी कोई एक्सीडेंट ना हो। प्रीमाइसेस अच्छे से होना चाहिए, प्रीमाइसेस क्या है, वहाँ जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं उस जगह को प्रीमाइसेस बोला जाता है। डन फॉर प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड कंट्रोल द पोल्यूशन। सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लव्स होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, हेलमेट, गॉगल्स, मास्क, उस सारी चीज़ें उन्हें होनी चाहिए। फोर्थ है गुड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय शुड प्रोवाइडेड विद अ गुड वर्किंग कंडीशन, यानी एक अच्छी वर्किंग कंडीशन उनके पास होनी चाहिए। एक एडुकेट लाइट होनी चाहिए, यानी लाइट में काम करें, ना कि वो लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी को वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी जरूरी है। अवॉइड वाटर, एयर एंड साउंड पोल्यूशन, कहीं का भी इस तरह के पोल्यूशन से दूर रखना चाहिए उन लोगों को। दे शुड बी अ प्रॉपर वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स भी जरूरी है, कितने घंटे वो लोग काम कर रहे हैं ये भी जरूरी हो जाता है। फिफ्थ है आपका रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्री में शांति बनी रहे। एम्प्लॉयर मस्ट रिकग्नाइज द वर्कर्स राइट टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम फॉर्मिंग अ ट्रेड यूनियन। जो कंपनी है वो किसी भी तरह से एम्प्लॉय को रोके ना ट्रेड यूनियन बनाने से, यानी ट्रेड यूनियन बनना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर क्या हो जाएगा,
डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क बाय होल्डिंग अ टॉक्सिक नेगोशिएशन विद अ सच अ यूनियन. बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है अगर ट्रेड यूनियन बनी रहे तो. कंपनी क्या करती है, ट्रेड यूनियन से मिलकर एम्प्लॉय लोग के प्रॉब्लम को समझ लेती है. मैनेजमेंट यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स. किसी भी तरह का स्ट्राइक हो जाए, किसी भी तरह का लॉकआउट हो जाए, इन सब चीज़ों से दूरी बनी रहेगी. सिक्स्थ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एम्प्लॉय लोग को प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक अ वेरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट अ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय लोग को अच्छी तरह से एजुकेशन मिले इस चीज़ का जरूरी होना चाहिए. और गाइडेंस एंड मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ जॉब. इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग यानी इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग. जब कंपनी नया नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. ट्रेनिंग कंडक्टेड कीप एम्प्लॉय अपडेटेड एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट. जब नया नया कोई डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से एम्प्लॉय को अपडेटेड करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी हो जाती है. ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट एंड सो इंक्रीज द एफिशिएंसी. उन्हें उससे कॉन्फिडेंस आता है और उनकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. सेवेंथ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. वर्कर लोग का काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, मैनेजमेंट में. फॉर्मिंग अ वर्कर कमेटी यानी वर्कर की कमेटी बनी रहे जिससे मैनेजमेंट उसे डिस्कस कर सके कोई डिसीजन लेने के पहले. सजेशन स्कीम प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी इंक्रीज बाय द मैनेजमेंट. जो भी सजेशन देते हैं एम्प्लॉय लोग उसे इंक्रीज करना चाहिए मैनेजमेंट द्वारा, यानी उसको प्रोत्साहन देना चाहिए उन लोगों को कि तुमने सही कहा है. इट विल रेज अ मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी उनके मोरल को वो हाई करेगा और उन्हें बिलोंगिंगनेस यानी अपनापन सा दिखाएगा. एट पॉइंट है प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. बिजनेस शुड ऑफर द एडुकेट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोशन टू देयर टैलेंटेड एम्प्लॉय. प्रमोशन देना, उनके जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है उन लोगों को प्रमोशन देना भी जरूरी है. दे शुड गिव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू, यानी उनके पास क्या स्किल है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. ऑब्टेन प्रमोशन, उन्हें प्रमोशन देना चाहिए. इट विल इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय लोग का अवेयरनेस भी वो बढ़ाता है. प्रॉपर ग्रीवियंसेस यानी उनके कंप्लेंट जो भी आए उस कंप्लेंट को आप सुनो, समझो और उस पर एक्शन जल्दी से जल्दी ले लो. 10 पॉइंट आपका मिसलेनियस है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. आप 9 पॉइंट भी लिखोगे तो भी बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सिंगल पूछा जाएगा तो सिर्फ 5 मार्क का पूछा जाएगा और आपको उसमें सिर्फ 7 से 8 पॉइंट लिखते हैं बस. आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर देख लेते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंज्यूमर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, जैसे हमें पता है कि कंज्यूमर ही मार्केट का राजा है. बिजनेस चल ही नहीं सकता कंज्यूमर के बिना. किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल हो या ग्रोथ हो, दोनों चीज़ें कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करती है. कंज्यूमर कितना संतुष्ट है आपके बिजनेस से उस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका सर्वाइवल, आपका ग्रोथ. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ अ कंज्यूमर. जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को विन करना चाहिए यानी उसे जीतना चाहिए. देख लेते क्या क्या इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के लिए. फर्स्ट है आपका गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए किसको, कंज्यूमर लोग को. सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर को. इंफीरियर एंड सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैन बी रिजेक्टेड. इंफीरियर यानी खराब प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए. और सब स्टैंडर्ड मतलब भी खराब होता है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इज द लेटेस्ट ट्रेंड टूवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल. ये ISO जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देता है, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को दिखाती है. यानी इन सब चीज़ों से आपको वो अप्रूवल लेना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में निकालने से पहले. दिस एंश्योर्स द कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये चीज़ कंज्यूमर के मन में कॉन्फिडेंस लाता है कि जिस प्रोडक्ट को आपने दिया है वो काफ़ी अच्छा है. सेकंड, फेयर प्राइसेस. कंज्यूमर शुड नॉट चीटेड बाय द चार्जिंग हाई प्राइस. कंज्यूमर को चीटिंग नहीं करनी है आपको हाई प्राइस चार्ज करके. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फूल द कंज्यूमर ऑल टाइम. हमेशा कंज्यूमर को फूल बनाना पॉसिबल नहीं है. फेयर प्राइजेस कन्वर्ट वन टाइम कंज्यूमर इंटू द परमानेंट कंज्यूमर. अगर आप सही प्राइस लेते हो तो आपका जो वन टाइम कंज्यूमर है वो परमानेंट भी बन सकता है. मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी प्रोडक्ट. हर एक प्रोडक्ट के ऊपर MRP और टैक्सेस प्रिंट होने चाहिए कि आप कितना उनसे ले रहे हो.
कस्टमर सेफ्टी, कस्टमर के सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनका हेल्थ इफेक्ट क्या है वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो जाए, और हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड, जो प्रोडक्ट सही नहीं है उसे मार्केट आप ना करो। इट शुड बी वॉन्टेड, एनी अनसेफ गुड्स शुड बी वॉन्ट, उनको वार्निंग देना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा दे रहे हो जिस पे वार्निंग जरूरी है तो वार्निंग दो उस पे। फोर्थ है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, जो आप एडवर्टाइजिंग करते हो वो उसमें भी ऑनेस्टी होनी चाहिए, यानी जो आप दिखाते हो वो आप सही होना चाहिए। साइड इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कन्वेज द इंफॉर्मेशन, सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी श्योर दैट एडवर्टीजमेंट इज नॉट बीइंग मिसलीडेड, मिसलीडेड यानी किसी भी तरह से आप एडवर्टाइजिंग में उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जो सच है वो चीज़ दिखाओ वो जरूरी हो जाता है। फॉल्स मिसअंडरस्टैंडिंग, वल्गर एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहिए उसके अंदर किसी भी तरह से। कंज्यूमर विल अप्रिशिएट ऑन इट, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट होगी तो कंज्यूमर उसे अप्रिशिएट करेगा। फिफ्थ है आफ्टर सेल सर्विस, एक बार आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो ये नहीं कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, कल को कंज्यूमर को किसी भी तरह की जरूरत पड़ी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप उसे सर्विस देना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी, वारंटी पीरियड में आप उसे सर्विस दोगे। वारंटी एंड गारंटी में क्या डिफरेंस है, गारंटी मतलब रिप्लेस करके देना, वारंटी मतलब बना के देना। इफिशियंट एंड इफेक्टिव आफ्टर द सेल सर्विस हेल्प टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशन, एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस होगा तो आपका कंज्यूमर के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा बन सकता है। सिक्स्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक अच्छा रिसर्च होगा एक अच्छा डेवलपमेंट होगा तो आपके कॉस्ट में कमी आएगी और आपका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ सकता है। ये फाइनल प्राइस को भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देगा। इट मस्ट प्रोवाइड अ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एज ए BIS एंड एगमार्क, एगमार्क और BIS इसके ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाता है। सेवेंथ रेगुलर सप्लाई, कंज्यूमर शुड सप्लाई विद द गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब जब कंज्यूमर को गुड्स की जरूरत पड़ेगी आप उसे कंटिन्यू सप्लाई करते रहो, ये भी आपका ड्यूटी बनता है। शुड नॉट बी क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ द गुड्स, आर्टिफिशियल शॉर्टेज मत लगाओ, यानी प्रोडक्ट है आपके पास और आप जमा करके रखे हो आप बेच नहीं रहे हो ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए तो बेचूंगा, तो ये सब चीज़ गलत है, इसे ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग बोला जाता है। एट्थ है आपका अटेंड कंप्लेंट, उनके द्वारा दिए गए कंप्लेंट को आप अटेंड करो, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इफेक्टिव ग्रीवियंसेस रिड्रेसल सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड, सजेशंस ऑफ कंज्यूमर शुड बी वेलकम, जो भी कंज्यूमर सजेशन देता है उस चीज़ को आप वेलकम कीजिए, उसके कंप्लेंट को सुनिए। 9th है ट्रेनिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज अ ट्रेनिंग फॉर देयर कंज्यूमर आइदर फ्री और बाय चार्जिंग अ रीजनेबल फीस, अपने ट्रेनिंग दो, आप फ्री में दो या फिर कोई फीस चार्ज करके दो, मगर दो जरूर। अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को दूर करो। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लीड टू एक्सपांशन ऑफ द कंज्यूमर एंड ऑल्सो दे शुड अवॉइड अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को भी आपको दूर रखना जरूरी हो जाता है इन केस ऑफ इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन, आप कंज्यूमर का ना करो और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को दूर रखो ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये था टोटल 10 पॉइंट जिसमें आप टूवर्ड्स कंज्यूमर आपने देखा अभी, तो टूवर्ड्स एम्प्लॉय और टूवर्ड्स कंज्यूमर दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छी तरह से, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।